तो ये बात है, जब मैं क्लास सिक्स में था, होली का टाइम था, हम सारे दोस्त मिलके अपार्टमेंट के गार्डन में होली खेल रहे थे, एक दूसरे को गुब्बारे मार रहे थे, और गार्डन से लग के था हमारे अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट का घर। उनका घर था फर्स्ट फ्लोर पे, और उनको पूरे अपार्टमेंट में 74 नंबर वाले अंकल आंटी के नाम से जानते थे, क्योंकि उनके घर का नंबर था 74। तो यू सी लॉजिक, 74 नंबर, 74, 74 नंबर वाले अंकल आंटी। तो अचानक से हमें उनके घर से गुब्बारे पड़ने लगे, तो हमने देखा तो उनका दामाद, 74 नंबर वाले अंकल का दामाद उर्फ सन इन लॉ, अपने बच्चों के साथ मिलके हमें गुब्बारे मार रहा था। तो वो अपनी खिड़की में से खड़े होके बहुत हंस हंस के हमारे ऊपर गुब्बारे फेंक रहे। पहले तो हमने इग्नोर करा, लेकिन फिर उनमें से किसी एक का गुब्बारा हमें लग गया। अब बलम पिचकारी, जो तूने मुझे मारी, तो मतलब मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं उल्टा तुझे मारूं। तो हम भी उनकी घर की खिड़की की तरफ गुब्बारे फेंकना शुरू कर दिए। अब मेरे द्वारा फेंका हुआ एक गुब्बारा उनकी घर की खिड़की के अंदर से जाते हुए, उन सबको पार करते हुए, पीछे वाली दीवार पर लगता है, फटता है, और उनका घर गीला हो जाता है। अब हमें क्या पता था कि क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ, हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन एकदम से मैंने देखा 74 नंबर वाले अंकल का दामाद उर्फ सन इन लॉ बुगला जाता है। मतलब उसका एक्सप्रेशन हंसी से कब गुस्से में बदल गया, कुछ समझ नहीं आया। एंड नेक्स्ट मोमेंट पे वो बंदा खिड़की से गायब, वो वहां पे नहीं खड़ा था, हमें लगा पता नहीं कहां गया। और एकदम से मैं देखता हूं, एक सेकंड बाद वो बंदा भगते हुए जीने से उतर के नीचे आ रहा है हमारी तरफ। अब मेरे फ्रेंड्स कुणाल, अतुल और मैं, हम तीनों जन्मजात रनर्स थे, लोगों की खिड़कियां तोड़ तोड़ के घरों की तरफ भागने का हमें बचपन से ही शौक था। ये भी वैसी सी एक सिचुएशन थी, किसी के घर पे हमने बारा मारा जिससे उनका घर गीला हो गया। तो भाई हमें लगा भागो, तो हम भागे, मैं घर की तरफ भागा, बहुत तेजी से भागा, और घर के रास्ते में ही था कि मेरी गुद्दी को, मेरी गर्दन को पीछे से किसी ने पकड़ लिया बहुत जोर से। मैं पलटा, मैंने देखा 74 नंबर वाले अंकल का दामाद और सन इन लॉ अपने दोनों हाथों से मेरे गले को बहुत प्यार से नहीं, बहुत ही गुस्से में दबा रहा है, और ऐसा दबा रहा है कि मुझे सांस तक नहीं आ रही, आई कांट ब्रीथ। और मैं उस बंदे को बोल रहा हूं, भैया भैया मुझे सांस नहीं आ रही, भैया भैया प्लीज छोड़ दो, मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं रो रहा हूं। वो बंदा, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, मुंह उसका झरला रहा है, वो एकदम लाल हो चुका है कि आज तो मेरे को जान से मार डालेगा, जस्ट बिकॉज मैंने उसके घर में गुब्बारा फेंक दिया जिससे उसका घर गीला हो गया। मैं रोते रोते उसे बोल रहा हूं, भैया भैया छोड़ दो, भैया भैया प्लीज छोड़ दो। लेकिन वो तो कह रहे, तूने गुब्बारा कैसे फेंक दिया मेरे घर में। और अब हमारे अपार्टमेंट का सुपरस्टार उर्फ हमारे अपार्टमेंट का गेट कीपर, जो ये पूरा प्रदर्शन अभी तक दूर से खड़ा होकर देख रहा था, वो अचानक से आता है, उस बंदे के हाथ मेरी गर्दन से हटवाता है। एंड एज यू मस्ट बी नोइंग, जब ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है किसी अपार्टमेंट में, तो अपार्टमेंट की आंटियां झुंड बना के इकट्ठा हो जाती हैं पूरा 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 कार्यक्रम का नुमाइना करने के लिए, सीआईडी की तरह इंस्पेक्ट करने के लिए, ताकि चुगलियां करने में आसानी हो सके। इतने में अतुल भाग के जाता है मेरे घर पे, और मेरी मम्मी और मेरी बहन को बताता है कि निश्चय उर्फ ट्रिगर्ड इंसान का गला दबाया जा रहा है बाहर, और 74 नंबर वाली आंटी भी आ चुकी है नीचे अपने दामाद की करतूतों का पश्चाताप करने, उर्फ सॉरी बोलने के, मेरा दामाद तो है ही जन्मजात हिलेला। अब मेरी मम्मी आती है, मेरी रोती हुई हालत देखती है, 74 नंबर वाली आंटी को बोलती है, ये कोई तरीका होता है कि एक बच्चे का गला दबाया जा रहा है। लेकिन इधर मेरी स्वैग वाली सिस्टर उर्फ मेरी बहना, शी गॉट नो चिल, वो आती है 74 नंबर वाली आंटी के दामाद उर्फ सन इन लॉ को सीधा इंग्लिश में सुनाना शुरू करती है। मुझे एक वर्ड नहीं समझ आया कि मेरी बहन ने उसको क्या बोला, इंग्लिश में ऐसी ऐसी लाइनें बोल गई, मेरे सर के ऊपर से बाउंसर्स निकल गई। यू इडियट, डू यू नो हाउ टू बिहेव विद किड्स, योर मेंटल प्लेथोरा सीम्स टू बी अ लिटिल डिस्टॉर्टेड, योर साइकोलॉजी अपार्टमेंट की आंटियां जो चुगलियां करना शुरू कर चुकी है, ये 74 वालों का दामाद, इसका तो दिमागी संतुलन ही ठीक नहीं है, बताओ कोई बच्चे का गला भी दबाता है। आंटियां अपनी चुगलियां कर रही है, मेरी मम्मी 74 नंबर वाली आंटी के साथ बात कर रही है, बहन मेरी उनके दामाद को सुना रही है, लेकिन मेरी परिस्थिति तो किसी ने देखी नहीं। बेचारा निश्चय उर्फ ट्रिगर्ड इंसान ट्रिगू यहाँ पे आंखों में से गंगा जमुना सरस्वती बह रही है, गला दबाया गया। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है, पुलिस बुलाओ, इस बंदे को जेल में भेजो, मेरा गला कैसे दबा दिया इसने, अरे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अरे मर सकता था मैं, इसे जेल भेजो, ये दिमागी संतुलन ठीक नहीं है इस बंदे का, अरे गुब्बारा फेंकने के लिए कोई गला को थोड़ी ना दबा देते, ये जान ले लेता ये मेरी। और पता है इस इंसिडेंट के बाद मुझे क्या सीख मिली, कि किसी के घर पे गुब्बारे नहीं फेंकने चाहिए, भैया किसका क्या पता कब तुम्हारा आके गला दबा दे।
74 नंबर वाली आंटी ने माफी मांगी मेरी मम्मी से मुझसे कि मेरा दामाद तो है ही हिलेला। नहीं, उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला था, बट हाँ उन्होंने माफी जरूर मांगी थी। ठीक है, उनको माफ करा, सब इंसिडेंट खत्म हो गया और उसके बाद से मैंने लोगों के घरों पे गुब्बारे मारने बंद कर दिए। और तुम्हारे लिए भी यही सीख है कि लोगों के घरों पे गुब्बारे मत मारना, पता नहीं भाई कब किसका दिमाग हिल जाए और आगे तुम्हारा गला दबाने लग जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक वाले बटन को दबाओ। आज स्टोरी टाइम वीडियो थी सिर्फ तुम्हारे रिक्वेस्ट पे, वरना मेरे पास बहुत सारे आइडियाज थे आज वीडियो बनाने के लिए, जो कि अब कल बनाऊंगा मैं। कल परसों तरसों इस हफ्ते रोज वीडियो आएगी, तो देखते रहना और कमेंट्स में बता दो वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा दो। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody.